कल होगी सपा की विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश बनाएंगे रणनीति। सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव करेंगे मंथन। लखनऊ में सपा के विधानमंडल दल बैठक में आज का दिन टला। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की वजह से हुआ समय में बदलाव। आज विधायकों की ट्रेनिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। सभी मंत्रियों और विधायकों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम का समापन करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया विधान परिषद में नेता। सदन जल्द हो सकता है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। आज से योग दिवस से में 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ने की तैयारी शुरू की जाएगी। आज से 21 जून तक अमृत योग महा मनाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी डीएम को माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में मुख्तार के दोनों बेटों से कई घंटे तक हुए सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट भेजा ज्ञानवापी केस। वजू खाने और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहा है याकूब का परिवार। व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही बदल देते हैं नंबर। 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद पुलिस के हत्या नहीं चढ़ सका याकूब कुरैशी। याकूब की पत्नी बेटे इमरान फिरोज की भी पुलिस को तलाश है। जगह जगह पुलिस दे रही है दबिश। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर मारा छापा। 16.40 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाई बरामद। करोड़ों की दवा नहीं पहुंच पाई थी अस्पताल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छापेमारी की कराई वीडियोग्राफी। डॉक्यूमेंट जब्त कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए। जनता के पैसे की बर्बादी पर भड़के ब्रजेश पाठक। कोरोना की वजह से 2 बार स्थगित हुई कांवड़ यात्रा। इस बार जुलाई में होगी शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा। 4 धाम यात्रा की तरह भव्य होगी इस बार कांवड़ यात्रा। आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। पर्यटन मंत्री केदारधाम यात्रा को लेकर लेंगे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक। व्यवस्थाओं को भी देखेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। शाम दिल्ली पहुंचकर भाजपा दफ्तर जाएंगे सीएम, जहां उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से संवाद का कार्यक्रम। रविवार को आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य के कार्यक्रम में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आज से 24 मई तक मौसम का हाई अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी देहरादून टिहरी नैनीताल समेत पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की आशंका। नोएडा में सीबीआई आम्रपाली के ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। जहां नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली सहित करीब 29 ठिकानों पर हुई छापेमारी। कंपनी के सैकड़ों करोड़ों के फंड दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जांच में जुटी सीबीआई। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में 22वीं मंजिल से कूदकर युवक युवती ने दी जान। सुसाइड से मचा हड़कंप। 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए थे दोनों। सोसाइट मामले की जांच कर रही है पुलिस। बरेली में शादी के 1 साल के अंदर ही पत्नी की चाकू से कूदकर की गई हत्या। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार। परिजनों का आरोप, दहेज के लिए ससुराल वाले करते थे प्रताड़ना। पीलीभीत में सराफा व्यापारी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत। कोर्ट परिसर में चंद कदमों की दूरी पर वारदात। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू। कानपुर पुलिस ने दंपति की हत्या का किया खुलासा। आर्थिक तंगी के कारण पिता ने ही बहू और बेटे की हत्या। बजरिया थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में इनामी बदमाश ने घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। अपने 2 साथियों के साथ दिया वारदात को अंजाम। 1 लाख रुपए के इनामी के पिता से जमीन खरीदने को लेकर था विवाद। देवबंद में छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत। मारपीट, रॉड से हमला किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती के परिवार के साथ धरने पर बैठे भाजपा नेता। झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की पिटाई। भाजपा नेता तिलक सिंह और समर्थकों पर लगा टोल कर्मियों को पीटने का आरोप। टोल मांगने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। 2 बदमाश हुए घायल। चोरी के मामले में चल रहे थे फरार। दोनों को अस्पताल कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। मीरापुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ चलाया अभियान। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। औरैया में प्रशासन का चला बुलडोजर। देवियापुर थाना क्षेत्र के सिद्धुआ गांव में हुई कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे से 4.5 करोड़ की जमीन सरकारी जमीन की गई मुक्त। मुजफ्फरनगर में भी चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। एसएसपी ने सड़क पर उतरकर की कार्रवाई। रेहड़ी पटरी वालों को सड़क से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जमीते उलेमा ए हिंद के मौलाना असद मदनी शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग की गई सील। फायर ब्रिगेड की एनओसी के बिना चलाई जा रही थी बिल्डिंग। बिना नक्शा पास कराए बन रही थी बिल्डिंग। सहारनपुर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को हाथ लग रही मायूसी। अम्बेडकर स्टेडियम में व्यवस्थाओं ने तोड़ा दम। बाहर प्रैक्टिस करने को मजबूर है खिलाड़ी। देवबंद में छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्ष के बीच भिड़ंत। रॉड से किया एक दूसरे पर हमला। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती के परिवार के साथ बीजेपी नेता बैठे धरने पर। सहारनपुर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को लगातार मायूसी हाथ लग रही है। स्टेडियम नहीं बनने से प्रैक्टिस बाहर करने को मजबूर है खिलाड़ी।